तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम लोग आज का जो ये सेशन है वो एग्जाम्पल को लेकर के शुरू कर रहे हैं, फॉर लूप के एग्जाम्पल को, यानी कि नेस्टेड फॉर लूप के एग्जाम्पल को बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारा लास्ट जो वीडियो था वो था नेस्टेड फॉर लूप के बारे में ही। उसमें हमने उसका एग्जाम्पल दिया था, शायद एक या दो, उसके स्ट्रक्चर को बताया था मैंने और डेफिनेशन दिया था, राइट। आज कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के मैं आया हूँ इस वीडियो के साथ, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो बाहर का लूप दिख रहा है, दैट इज द आउटर लूप, और इसके जस्ट अंडर में जो लूप दिख रहा है ये हमारा है इनर लूप। दो लूप हमें दिख रहे हैं। मैं इसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता हूँ बारी बारी से। पहले वाला जो लूप है, यानी कि बाहर वाला जो लूप है, सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है ना। सबसे बाहर वाला जो लूप हमारा है वो उसका वैल्यू सबसे इनिशियल टाइम में क्या है, 1 है, आई इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये वैल्यू जो है 1 आई का वो 2 से छोटा है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, आई का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो हम लोग क्या होगा, जो कंट्रोल है वो इस लूप के अंदर आ जाएगा। जैसे ये कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, लूप के कंट्रोल को अंदर आते के साथ एक नया फॉर लूप मिल जाएगा। ये फॉर लूप में वेरिएबल क्या स्टार्ट हो रहा है, ये वेरिएबल है जे। जे इक्वल टू शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 के साथ, अगेन जे का वैल्यू 1 हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, क्या 1, जे का वैल्यू 1 3 से छोटा है, कंपैरिजन पे हमको रिजल्ट क्या मिला, ट्रू मिला, तो हम लोग इस लूप के अंदर घुस जाएंगे। अंदर में क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं आई इंटू जे। तो आई इंटू जे कितना हो जाएगा, 1 × 1, यानी कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल हमारा इसके पास आएगा, ये इसको कहाँ भेज देगा, ये इसको भेज देगा जे प्लस प्लस के पास। तो यानी कि जे का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, अब जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा अब 2। जैसे कंपेयर करेंगे क्या 2 छोटा है 3 से, तो हमको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा। तो जैसे ट्रू होगा रिजल्ट, तो अगेन हमारा लूप के अंदर घुस जाएगा कंट्रोल। कंट्रोल घुसने के साथ क्या होगा, ये वाला फिर से प्रिंट होगा, यानी कि आई इंटू जे, यानी कि आई इंटू टू, सॉरी 1 × 2, तो हमको स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और उसी लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ln लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए सेम लाइन में ही वो प्रिंट होते जाएगा, 1 के बाद 2। फिर हमारा क्या होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल अगेन यहाँ पर जाएगा। फिर कंट्रोल कहाँ भेज देगा उसको, फिर उसको भेज देगा जे प्लस प्लस के पास। जे का वैल्यू अब हो जाएगा बढ़कर कितना, जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा अब 3। जैसे जे का वैल्यू 3 होगा, फिर हम कंट्रोल चेक करेंगे क्या 3 का वैल्यू छोटा है 3 से, तो नहीं है, तो क्या 3 का वैल्यू बराबर है 3 का, सही है। अगेन ये लूप के अंदर घुसेगा, फिर से ये प्रिंट होगा, यानी कि आई इंटू जे फिर से प्रिंट होगा, यानी कि 1 × 3 फिर से प्रिंट होगा, स्क्रीन पे 3 प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, इतना होने के बाद फिर से कंट्रोल कहाँ आएगा, इसके पास आएगा। ये क्या करेगा, फिर दोबारा भेज देगा उसको जे प्लस प्लस के पास। तो जे का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 4। जैसे ही 4 होगा, कंपेयर करने के लिए यहाँ आएगा, 4 क्या छोटा है 3 से, तो आप बोलोगे नहीं है सर। क्या 4 बराबर है 3 का, भी नहीं है। इसका मतलब ये अंदर वाला लूप खत्म। कंट्रोल कहाँ चलाएगा, कंट्रोल चलाएगा बाहर वाले लूप के पास। बाहर वाले लूप के पास आने पर क्या होगा, कंट्रोल बाहर वाला लूप जो है वो कहाँ भेज देगा उसको, आई प्लस प्लस के पास, यानी कि अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। जैसे ही आई का वैल्यू 2 होगा, जैसे ही आई का वैल्यू 2 होगा, वैसे हमारा यह कंट्रोल चेक करेगा क्या 2 छोटा है 2 से, तो बोलेगा नहीं। क्या 2 बराबर है 2 का, बोलेगा हाँ। जैसे ये होगा, वैसे ही लूप के अंदर घुस जाएगा अगेन। अगेन अंदर में क्या होगा, शुरू में सबसे स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जे का वैल्यू फिर से 1 होगा, ठीक। फिर चेक करेगा क्या 1 3 से छोटा है, होगा, फिर घुसेगा अंदर। क्या प्रिंट होगा, आई इंटू जे, आई का वैल्यू कितना है 2, जे का वैल्यू कितना है 1, 3
तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। क्या प्रिंट होगा? स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। आगे क्या होगा? कंट्रोल हमारा यहां पर जाएगा, ये क्या करेगा, उसको भेज देगा जे प्लस प्लस के पास। तो जे का वैल्यू 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे, क्या 2 3 से छोटा है? ट्रू होगा। फिर से आई इंटू जे यानी कि 2 इंटू 2, फिर 4 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। इसके बाद क्या होगा? कंट्रोल अगेन हमारा इसके पास जाएगा, इस ब्रैकेट के पास, अंदर वाले ब्रैकेट के पास जाएगा। ये ब्रैकेट क्या करेगा, उसको फिर से बोलेगा दाओ तुम जे प्लस प्लस के पास जाओ और अपने वैल्यू को इंक्रीज करवा के आओ, यानी कि ये हट करके 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा क्या 3 छोटा है 3 से? नहीं। क्या 3 बराबर है 3 का? हाँ। इसका मतलब ये वाला लूप ट्रू हुआ, अंदर घुसेगा, फिर से आई इंटू जे प्रिंट करेगा, यानी कि 3 इंटू 2 6 प्रिंट करेगा। जैसे ये होगा उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? अगेन इस ब्रैकेट के पास। जैसे ही इस ब्रैकेट के पास जाएगा वैसे ये भेज देगा कहाँ? जे प्लस प्लस के पास। जे प्लस प्लस के पास जाने पर क्या होगा कि वैल्यू जो जे का है वो 3 से कितना हो जाएगा? 4। फिर कंपेयर करेगा, यहाँ पर क्या कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन होगा कि क्या 4 3 से छोटा है? बोलेगा नहीं। 4 3 के बराबर है? बोलेगा नहीं। तो खत्म बात ना, लूप खत्म। बाहर वाला में आ जाएंगे हम लोग कंट्रोल, ये क्या करेगा, उसको भेज देगा आई प्लस प्लस के पास। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब 3 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, क्या 3 छोटा है 2 से? नहीं। क्या 3 इक्वल है 2 का? नहीं। इसका मतलब पूरा लूप खत्म, ये वाला काम करेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारा लूप 2 ही बार काम किया और हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट हुआ 1 2 3 2 4 6। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना? बस यही काम हम लोगों का इसका। तो ये हम लोगों का एक फॉर लूप का एग्जांपल था, नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल था। मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करके आओगे, और एक्चुअली सॉल्व करके आओगे कहाँ पर? तुम अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, डेफिनेट सी बात है आप आ नहीं पाओगे। आप इसके पिक्चर्स मुझे शेयर करना, आप कॉपी में बना करके इस कोड को एग्जीक्यूट करके, जैसे मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिख करके और एक जगह पर आउटपुट लिख करके आपको वो फोटो हमको शेयर करना है व्हाट्सएप पे। और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जिसका इसका सॉल्यूशन सही रहेगा उसके लिए ठीक है, वो समझ रहेगा, शुरू कर चुका है। जिसको सही नहीं होगा वो थोड़ा और मेहनत करे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, ये एग्जाम्पल ही आपको एक समझाना था। हम कुछ और एग्जाम्पल भी करवाएंगे आपको ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने, आप और अच्छे से सीख पाएँ इस नेस्टेड फॉर लूप को, क्योंकि इस नेस्टेड फॉर लूप से आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी, ठीक है। ये अभी तो बस एक बेसिक सा आपको कुछ हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत वास्ट है, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना, राइट। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।